हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सो आज की वीडियो होने वाली है इस वाले मेकअप लुक की, एंड ये स्मिता मैम का मेकअप लुक है। सो आप सभी लोग जानते होंगे इनके चैनल का नाम जो है स्मिता दीपक है। बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही अच्छा मेकअप ये करती है। सो मैंने इस वाले मेकअप को क्रिएट किया है। सो बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक कैसा लगा। अगर इफ़ यू वॉन्ट टू सी हाउ आई गेट दिस लुक, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर मैंने आईब्रोज़ को फिल कर लिए थे। सो मैं यहाँ पर लिया है मेबलिन वेट एंड वेल्ड का कंसीलर, एंड इसकी हेल्प से मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगी, एंड एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि अच्छे से ब्लेंडेबल लगे एंड इससे आपके आईब्रोज़ जो है अच्छे से शार्प दिखते हैं। देन यहाँ पर मैंने ब्लू हेवन का लूज पाउडर लिया है ताकि मैं इसे अच्छे से सेट कर सकूँ। सो उनके प्रोडक्ट्स एंड मेरे प्रोडक्ट्स बहुत ही डिफरेंट है, बट मैंने कोशिश की है सेम मेकअप को अचीव करने की। सो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। सो यहाँ पर मैंने वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट लिया, इसमें से ऑरेंज शेड लेकर मैं क्रीज पर तब तक मैंने अप्लाई किया जब तक मुझे डिज़ायर कलर नहीं मिलता, तब तक मैंने इसे अच्छे से बिल्ड किया। देन मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया, एंड इसे भी मैं आउटर वी पर लगाऊंगी एंड इस तरह से क्रीज तक ले जाते हुए अच्छे से ब्लेंड करूंगी। देन यहाँ पर जैकलिन हिल पैलेट्स में से मैंने ब्लैक शेड लिया, इसे भी मैं आउटर वी पर लगाऊंगी एंड थोड़ा थोड़ा मैं इसे ब्लेंड करते हुए क्रीज तक ले जाऊंगी। सो प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। अच्छे से ब्लेंड करें, ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। सो उसके बाद यहाँ पर मैंने एक क्यूटिप एंड मैसलर वाटर लिया है, एंड स्मिता मैम भी पहले जो भी आईलिड पर आई शेडोज रहते हैं उसे अच्छे से क्लीन करती है, उसी के बाद कंसीलर को अप्लाई करते हैं। सो सेम यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूँगी एंड अच्छे से मैं पहले क्लीन कर लूँगी आईलिड को, जहाँ तक मैं कट क्रीज चाहती हूँ वहाँ तक इस क्यूटिप की हेल्प से मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इस आई मेकअप को करने मुझे 30 to 45 minutes लगे, बट यहाँ पर हमें एडिटिंग में थोड़ा सा फास्ट करना होता है इसीलिए आपको जल्दी दिखता है, बट बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। सो प्लीज़ अप्रिशिएट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सो यहाँ पर मैंने सेम बटन वाले कंसीलर की हेल्प से जिस तरह से आप देख सकते हो उस तरह से मैंने कट क्रीज ड्रॉ की है, एंड फिंगर की हेल्प से मैं एडजस्ट को ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। देन यहाँ पर जैकलिन हिल पैलेट में से एक ऑफ वाइट शिमरी शेड को मैं इनर वी पर लगाऊंगी, इनर थर्ड पर इस तरह से, एंड स्मिता मैम ने भी इसी तरह से अप्लाई किया था। एंड यहाँ पर से मैं ये पर्पलिश शेड लूँगी एंड इसे मैं अच्छे से सेंटर ऑफ माय लिड पर अप्लाई करूँगी। इसकी पिगमेंटेशन मुझे नहीं मिल रही तो मैंने वेट सेटिंग स्प्रे से ब्रश को वेट कर इस कलर को अप्लाई किया, एंड आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये कलर डिपॉजिट हुआ है। देन ब्लैक शेड को लेकर मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी इनर वी पर, आउटर वी पर, ताकि अच्छे से ब्लेंडेबल लगे। लोअर लैश लाइन को भी मैं सेम ब्रश के हेल्प से अच्छे से स्मोक आउट करूँगी। देन एक स्मॉल ब्रश के हेल्प से मैं इनर आइज़ पर सेम शेड लगाऊंगी, एंड मिडिल आइज़ पर भी मैं सेम पर्पल शेड को अप्लाई करूंगी, एंड आउटर वी पर भी मैं यहाँ पर सेम ब्लैक शेड को अप्लाई करूंगी ताकि आई मेकअप जो है इवन लगे। जो शेड मैंने ऊपर आइज़ पे यूज़ किए थे लोअर लैश लाइन पर भी मैंने सेम शेड्स को लिया है। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करें, बाहर बच्चे खेल रहे हैं। प्लीज़ गाइस, यहाँ पर मैंने लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर लिया है, इसके हेल्प से मैं एक थिन लाइनर ड्रॉ करूँगी लैश लाइन के क्लोज जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। देन यहाँ पर मेबलिन का कोलासल काजल लिया है, इसके हेल्प से मैं जस्ट वाटर लाइन पर ही काजल को अप्लाई करूँगी। देन यहाँ पर मैंने वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा लिया है, इसके हेल्प से मैं अच्छे से 2 coats अपर एंड लोअर लैशेस पर मस्कारा को अप्लाई कर लूँगी, एंड ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, वाटर प्रूफ मस्कारा है।
एक वेट वाइप्स की हेल्प से मैं पूरे फेस को क्लीन करूँगी ताकि जो भी फॉल आउट हो वो रिमूव हो जाए ताकि हम बेस मेकअप स्टार्ट करें। सो यहाँ पर मैंने गुड वाइप्स का रोज़ हिप सीरम लिया है। ये बहुत ही अच्छा सीरम है, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है एंड बहुत ही ज़्यादा ग्लोई आपको प्रोवाइड करता है। सो मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं शाइनीनेस से। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने NYB का प्राइमर लिया है, इसकी हेल्प से मैं टी जोन एरियाज़ पर लगाऊंगी एंड इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। एंड ये प्राइमर काफ़ी अफोर्डेबल है एंड बहुत ही अच्छा है, पोर्स को अच्छे से मिनिमाइज़ कर देता है, स्किन को स्मूथ आउट कर देता है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है मेबिलिन का 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन एंड इसका एक ही पम्प मैं लूँगी एंड एक ब्रश के हेल्प से मैं इसे अप्लाई करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो उसकी कवरेज, ये हाई कवरेज आपको प्रोवाइड करता है। सो अभी के लिए थोड़ा सा ये वाइट लग रहा है मेरा स्किन टोन से, बट ये अच्छे से ब्लेंड होने के बाद थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाता है, देन ये आपके स्किन टोन में आ जाएगा। सो जब भी आप फाउंडेशन परचेस करो तो स्किन से एक टोन लाइट शेड ही परचेस करें ताकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लिया, इसकी हेल्प से मैं जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग चाहती हूँ वहाँ पर अच्छे से कंसीलर को लगा लूँगी, जैसे कि अंडर आइज, ब्रिज ऑफ माई नोज, फोर हेड, क्यूपिड बो एंड जॉलन के पास कुछ इस तरह से, एंड इसे मैं ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी। एंड ये कंसीलर भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड कवरेज भी आपको बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करता है। इसकी फिनिश मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ही नेचुरल फिनिश ये आपको देता है एंड साथ ही लॉन्ग लास्टिंग भी है, बट आपको पाउडर से सेट करना होता है। सो मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर लिया है, इसकी हेल्प से मैं पूरे फेस को सेट करूँगी, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पर लगा कर डस्ट ऑफ करूँगी। इससे आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्ट हो जाएगा एंड कंसीलर भी अच्छे से सेट हो जाएगा। देन यहाँ पर शिवाना पैलेट में से ये ब्रॉन्जर शेड लेकर मैं फेस को थोड़ा सा स्लिम दिखाने के लिए ब्रॉन्ज करूँगी एंड स्मिता मैम कुछ इस तरह से कॉन्टोरिंग करती है एंड ट्रस्ट मी गाइस, इससे कितना अच्छा से मेरा फेस कॉन्टोर हुआ है, आई जस्ट लव दिस। सो अब से मैं इसी तरह से मेरे फेस की कॉन्टोरिंग करूँगी एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट आपको ब्लेंड अच्छे से करना होता है। सो एक स्मॉल ब्रश के हेल्प से मैं नोज़ की भी कॉन्टोरिंग करूँगी ताकि नोज़ जो है स्लिम लगे। सो इसके बाद मैंने मास्क का पैलेट लिया, इसमें से मैंने ये पीची कोरलिस शेड लिया है एंड इसे मैं अपने एप्पल ऑफ माई चिक्स पर अप्लाई करूँगी। सेम स्मिता मैम भी इसी तरह से ब्लश को अप्लाई करते हैं। सो जैसे कि जस्ट वो प्रेस करते हैं ब्रश को, सो बहुत ही अच्छा लुक निकल के आया है, ब्लश एंड कॉन्ट्रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देन मैंने मेकअप को फिक्स कर लिया था, उसके बाद सेम पैलेट में से ये हाइलाइटर शेड लेकर मैं अपने हाइएस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी एंड ये हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है, सटल एंड नेचुरल ग्लो आपको देता है। सो एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो, अगर मुझे लिंक्स मिले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर परचेस करें, बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। सो मैं यहाँ पर टिप ऑफ माई नोज़, ब्रिज ऑफ माई नोज़ एंड क्यूपिड बो इन पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ अच्छे से हाईलाइट करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फेस है काफ़ी ग्लोई एंड हाईलाइटेड लगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा, क्या मैंने जस्टिस किया है इस मेकअप को। सो प्लीज़ कॉमेंट करें एंड प्लीज़ अच्छा लगे तो शेयर करें एंड एक लाइक ज़रूर करें। सो इनर आइज़ को भी मैं हाईलाइट करूँगी एंड ब्रो बोन पर भी इसी हाइलाइटर को अप्लाई करूँगी ताकि आइज़ जो है ब्यूटीफुल एंड अच्छे लगे। सो यहाँ पर मैंने डार्लिंग इसाबेला की लिपस्टिक ली है, शेड नंबर 1 है आई थिंक गेस, सो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो मैं अच्छे से शॉर्ट लाइन करूँगी एंड साथ ही मैं फिल करूँगी, बट ये शेड मुझे थोड़ा सा लाइट लगा। सो इसके बाद मैंने सेम इसाबेला, डार्लिंग इसाबेला का शेड नंबर 8 आई गेस अप्लाई किया इसी के ऊपर एंड मुझे जो शेड चाहिए था, मुझे एग्जैक्ट शेड जो है वो मिल गया।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक डार्क मरूनिश काइंड ऑफ शेड है। सो मैं इसे अच्छे से टॉप पर लगा लूँगी। एंड प्लीज़ गाइस बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा, क्या मैंने जस्टिस किया है इस मेकअप से। प्लीज़ कमेंट करें ज़रूर, एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। अगर आप कोई अदर यूट्यूबर्स इंस्पायर्ड मेकअप लुक भी देखना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो कॉमेंट में। तो चलिए गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। स्टे ब्लेस, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।